तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फ्लैशबैक की आगे की कहानी में, जहां पर कहानी की शुरुआत होती है रोशनी से, जिसे देखकर जिन समझ जाता है कि उसके और अमन के बीच के रास्ते का पत्थर कोई और नहीं बल्कि रोशनी ही है, और वो उसको ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर कार फेंक कर वार करता है। लेकिन तभी वहां पर अमन आ जाता है और वो रोशनी को बचा लेता है। अपनी जान खतरे में देखकर रोशनी हो जाती है बेहोश। अमन उसे उठाकर ले जाता है और उसे एक जगह पर लेटाता है, लेकिन रोशनी बेहोशी की ही हालत में अमन को उल्टा सीधा बोल रही होती है। ये सब देखकर मन ही मन में मुस्कुराने लगता है अमन, लेकिन वो रोशनी को वहीं पर छोड़कर वहां से बाजीगर के साथ चला जाता है। घर जाकर वो दादी और प्रवीण को बताता है किस तरीके से मज़ार पर हमला हुआ और यहाँ पर घड़ी रुक गई, बर्फ जम गया पानियों में, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जरूर किसी न किसी बात का इशारा है, लगता है जिन वापस आ गया है। प्रवीण और दादी अमन को समझाती है कि तू इन सब बातों पर ना ध्यान देकर, तेरी आज सगाई होने वाली है, इस बात पर ध्यान दे। अमन कहता है कि नहीं, मैं किसी लड़की की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करूँगा, मैं सगाई नहीं करूँगा। इस पर दादी और प्रवीण समझाते हैं कि तेरा सगाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुझे ये सगाई किसी भी कीमत पर करनी ही होगी। तभी दादी कहती है कि ताबीजी ने बताया था कि जब भी जिन आता है तो वो अपने पीछे अपने पंजे का निशान छोड़ देता है। अब दादी सबको नीचे भेजकर खुद चली जाती है जिन के पंजे का निशान ढूंढने के लिए, और तभी उसे वो पंजा दिख भी जाता है। इधर अमन जिनके काबू में आने लगता है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे जिन में बदल जाता है। अब ये देखकर प्रवीण और बेबी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि सामने ही लड़की वाले आ चुके होते हैं। दादी घबरा के लाइट ऑफ कर देती है, इतने में अमन वहाँ से भाग जाता है। दादी और प्रवीण बहाना बनाकर सगाई की रस्मों को कल के लिए टाल देती हैं। इधर प्रवीण अमन के पास जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि अमन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया और वो सबके ऊपर हमला करने लगता है। पूरे जुनैद परिवार की जान खतरे में पड़ जाती है। प्रवीण अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करती है, लेकिन अमन उसके ऊपर बार बार हमला कर रहा होता है। ये देखकर प्रवीण बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बेबी के साथ घर के बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी अमन वापस से उसके सामने आ जाता है और उसकी जान लेने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वहाँ पर तभी आ जाती है दादी, और वो जिन को मारने का हथियार लेके साथ में आती है, जो कि वो अमन के ऊपर चला देती है। जैसे ही वो तीर अमन को लगता है, अमन अपने असली रूप में वापस आ जाता है और वो बेहोश होने लगता है। उसे इस जख्मी हालत में देखकर दादी, प्रवीण और बेबी तीनों ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो सभी भागते हुए चले जाते हैं अमन के पास, और अमन को प्रवीण अपनी गोद में लिटा लेती है। फ्लैशबैक की आगे की कहानी में कल आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अमन इस मुसीबत से बाहर निकलता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और शो की कहानी को इंजॉय करें। साथ में कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें कि कहानी आपको कितनी पसंद आ रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।